कि एबीडी सर ने रिटायरमेंट ले लिया सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से। लगाया है, आवाज आई है। हमें 170 रन्स का टारगेट है, देखते हैं यार। और मैं ओपनिंग पे जा रहा हूँ, ये देखो पैड वैड कर चुका हूँ। यार बोलने वाला था। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे। यार आज का vlog बहुत ही important होने वाला है, क्योंकि आज हमारा टूर्नामेंट का एक semi-final का मैच है। semi-finals तो आप सभी को पता ही होगा, semi-final एक knockout मैच ही माना जाता है। आज मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी कौन सी जर्सी है। हमारी वही नॉर्मल जो रेड जर्सी होती है। आज देखते हैं हम कैसा परफॉर्म करते हैं। लास्ट वीक तो हमने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था। किट ऑलमोस्ट पैक हो रखी है, बस हेलमेट डालना है और दोनों बैट को साइड में लगाना है। और यार कल फ्राइडे को एक बहुत ही सैड न्यूज आई है आरसीबी फैंस और एबीडी विलर्स फैन के लिए, कि एबीडी सर ने रिटायरमेंट ले लिया सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से, चाहे वो T20, ODI या फिर टेस्ट क्यों ना हो। नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में, मिस्टर 360 हार्ट हार्ट स्पैम जरूर कर दीजिए। मैंने भी नीचे कमेंट कर रखा है, उसका भी आप रिप्लाई कर सकते हो। तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट किट पैक ही कर ली थी यार, तो ये देखो क्या हो गया। ये वाली साइड की चेन फेल हो चुकी है और दूसरी साइड की भी चेन फेल हो रखी है। तो यार ये बैग में तो शूज और कैप्स और ये सब डालता हूँ, और गोप्रो के जो भी एक्सेसरीज होती है इसी में डालता हूँ। अभी पहले इसे ठीक करेंगे, उसके बाद कुछ खाने का नाश्ते का देखते हैं। दोनों गेट मैंने बंद कर रखे हैं, क्योंकि पापा मम्मी सो रहे हैं और दीदी भी सो रही है, तो यार उनको सोने देते हैं। सैटरडे संडे थोड़ा लेट ही उठते हैं दोनों टाइम। तो आज हम बनाते हैं एक ग्लास तो दूध बनाते हैं, और उसके साथ कुछ फ्रूट्स ले लेंगे। आपका क्या कहना है आज के मैच के बारे में सर? मैच में पता चल ही नहीं जाएगा। मैच में पता चल जाएगा। आज की पिच मैं आपको दिखाऊं, ये वाली अभी फ्रेश न्यू विकेट बनाई है, पहले उस वाली विकेट पे मैचेस होते थे। तो इस पे आप देख सकते हो घास भी है थोड़ी बहुत, तो बॉलिंग के लिए काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि घास की वजह से आपको अच्छी स्विंग मिलेगी। और सेमी फाइनल्स में जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है आप वही चूज कीजिए। बाकी देखते हैं टॉस में क्या होता है। मैं तो इस वाली विकेट पे, क्योंकि ज्यादा ड्यू भी नहीं है और घास भी अच्छी खासी है, तो आज के लिए हम बॉलिंग के लिए डेफिनेटली जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं हम टॉस जीतते हैं या फिर हारते हैं। A few moments later. तो क्रिकेटर सैटरडे का आज दिन है और सेमीफाइनल मैच है स्पार्टन्स वर्सेस DSV। यहाँ पे स्पार्टन्स की तरफ से तरुण सर है और हमारे DSV की तरफ से रवि सर है। अब हमारे मैच ऑफिशियल्स आज का टॉस कराएंगे। पूरे मैच की चलेगी। रुकेगी रुकेगी लगाया है, आवाज आई है। I
हाइट मिल गई, हाइट मिल गई। क्रिकेटर्स अब 10 ओवर हो चुके हैं और ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है और इनके 10 ओवर में 72 रन्स और एक ही विकेट गिरी है। अभी देखते हैं यार, सेमीफाइनल मैच है, हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है क्योंकि वो वाला एंड थोड़ा सा छोटा होने वाला है। ये अभी मिडल पिच पे नहीं हो रहा है, ये थोड़ी लेग साइड के पिच पे हो रहा है, तो इसीलिए लेग साइड अब छोटी हो जाएगी। बाकी देखते हैं यार, 10 ओवर और बचे हैं इनके पास, कितना ये स्कोर कर पाते हैं। बहुत बार है, ठीक है ठीक है, दोबारा मिस टाइम होगी। एक शाबाश, थैंक यू। विकेट विकेट साहब, तो गाइस 20 ओवर खत्म हो चुके हैं, दूसरी टीम ने 169 रन्स बनाए और हमें 170 रन्स का टारगेट है। देखते हैं यार, और मैं ओपनिंग पे जा रहा हूँ, ये देखो पैड वैड कर चुका हूँ। ठीक है, खेलना बढ़िया, चल ले। भागो 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 ना, लेग्स एक थैंक यू, मेडल थैंक यू। एक और एक और एक और एक और, दूसरे वाले की आउटस्विंग हो रही है, इस वाले की अभी तक मैंने खेली नहीं है। हमें ना कुछ नहीं करना है, स्ट्राइक रोटेट करके खेलना, जितना हो सके सिंगल डबल। ठीक, आगे चार आगे, शॉट। ओ यार, दो 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 दो, एक ही है। अच्छा
यार बोलने वाला था गोल से पहले वही खेलने वाला है। तो गाइस मैच खत्म हो चुका है, आज भी हमारी टीम की हार हुई है। मैं आपको आज के मैच की समरी बताऊं तो स्पार्टन्स ने 169 रन बनाए थे 4 विकेट्स में 20 ओवर में। जवाब में मैं ओपनिंग पे गया था, ओपनिंग पे जाते ही मेरे साथ में जो ओपनिंग पार्टनर था वो तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे, कैच आउट, और बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी थी भैया ने। तो उसके बाद 2 ओवर में हमारी 2 या 3 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गई थी, तो इसी वजह से मुझे अपना एंड संभाल के रखना पड़ा। मेरे स्कोर की बात करें तो मैंने 25 रन बनाए, उसमें से 1 छक्का था और 2 चौके थे। 56 रन से हम मैच हार गए, सेमीफाइनल्स में हार के यार बहुत बुरा लगता है। जिस जिसने ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। मैं आज जिस बॉल पे आउट हुआ हूँ मैं स्लॉग स्वीप खेलने जा रहा था लेफ्ट आर्म स्पिनर को, और मेरा टॉप एज लग के पॉइंट के हाथ में कैच उठ गई। ये आपके भाई का पहला टूर्नामेंट है जिसमें आपका भाई को स्पॉन्सर करने वाला है, ये देख सकते हो आप। ये बहुत ही जल्दी ये भी शुरू हो जाएगा, इसी इन्हीं ग्राउंड्स पे होएगा, इन्हीं तीनों ग्राउंड पे। भाई मेन तो कैचेस की थी हमारी, फील्डिंग ही थी, फील्डिंग खराब हुई उससे ज्यादा रन पड़ गए, मेन पॉइंट ये था। उसके बाद 169 ये लाइक थी इस पिच 169 के, नहीं टारगेट ठीक था। स्टार्टिंग में हमारी स्टार्ट भी अच्छी नहीं हुई, बैट्समैन ने भी स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, मतलब बैट्समैन से स्टार्ट नहीं मिलता तो मतलब ही नहीं बनता। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा इंडिया को स्टार्ट नहीं मिला तो मैचेस हारी चेज करते हुए। पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था शाहीन अफरीदी ने आते ही केएल राहुल और रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, तो उसकी वजह से जो उनके 6 ओवर जो पावर प्ले के ओवर्स थे वो अच्छे से वो यूज नहीं कर पाए इंडियन टीम, तो वही सेम चीज आज हमारे मैच में भी हुई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। तो यार क्रिकेटर्स आज के व्लॉग में हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना और शेयर कर देना यार जो भी आपके क्रिकेटर्स दोस्त है। जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खेलते रहे बस जितना हो सके, और हम भी अपने ऊपर मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। चाहे आप मैच में कितने भी रन मारो मेहनत एक दिन आपकी जरूर रंग लाने वाली है। तो इसी हाई नोट के साथ हम आज के व्लॉग खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और क्रिकेट आपको पता ही है खेलते रहिए। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते नजे तार चिपक गई छाती से, ओम सी माम बिंग बिंग बो।